चलो इधर भैया। कल क्या निकालते हो? उभयनिष्ठ विभव है ना, देखो क्या हुआ, कहाँ थे तुम? चलो देखो, चल इसका विद्युत वाहक बल E1 और ये E2 और ये R2। यहाँ का वोल्टेज कितना मान लें? X मान लें, चलो X मान लेते हैं। तो यहाँ से करंट कितनी गई? I1। यहाँ से I2। तो जो भी करंट यहाँ पर टोटल कितनी बन गई? I मान लेंगे। अब ये जो I बनेगी, इधर से I1 आ रही, इधर से I2 आ रही, इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2। अब I को भी छोड़ दो, I1 कितना बनेगा? विभव का अंतर बटा प्रतिरोध। अगर डिफरेंस ले लो, इधर से इधर जा रहे, इसका मतलब E1 ज़्यादा और X कम है। तो E1 माइनस X बटा R1 और E2 माइनस X बटा R2 हो जाएगा। ठीक, अलग अलग तोड़ दो इनको, तो बन जाएगा E1 बटा R1 X बटा R1, E2 बटा R2 और माइनस का X बटा R2। ये दोनों एक पास करके LCM ले लो। तो जब LCM लोगे तो E1 R2 E2 R1 बटे में R1 R2, इन दोनों में नीचे नीचे गुणा ऊपर तिरछे गुणा करा लो। और इसमें से अगर माइनस X कामन ले लो तो 1/R1 और 1/R2, यहाँ भी LCM ले लो। तो I बराबर कितना आ जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 R2, और यहाँ LCM ले लो तो कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2, ऊपर तिरछे गुणा हो जाएगी और नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? R1 R2। यहाँ तक ठीक। अब इस पूरे को ये चाहो तो इधर ले लो, या जितना यहाँ लिखा है इतने से भाग कर लो। ठीक, इतने से पूरे भाग कर लो, या इसको लेके आओ पहले। तो I R1 R2, तो इधर बन गया E1 R2 E2 R1, और इधर कितने बन जाएंगे? माइनस X R1 प्लस R2। अब ये वाला पूरा पद इधर दोनों में ट्रांसफ़र कर दो, पूरे को क्या करना है, इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये बन गया R1 R2, मतलब इतने से भाग कर रहे हैं पूरे को। ठीक, तो R1 प्लस R2, इधर E1 R2 और E2 R1 बटे में R1 प्लस R2, और इधर कितना बन गया? X। X क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ से यहाँ का। अच्छा, ये दोनों समांतर क्रम में लगे हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बताओ? R1 R2 अपान R1 प्लस R2, और ये बन गया कुल विद्युत वाहक बल। तो अपने पास समीकरण, हम अगर X को V में कन्वर्ट कर लें, टर्मिनल वोल्टेज मान लें, तो इधर बन गया I और ये बन गया छोटा R टोटल इस पूरे सर्किट का, बराबर ये क्या बन गया? कुल विद्युत वाहक बल। ठीक, और इधर क्या बन गया? V। तो रिलेशन यहाँ से क्या मिला आपको? E टोटल बराबर V प्लस I R इक्वल। ठीक, इसको आगे दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व करेंगे, किससे किससे? प्रतिरोध बॉक्स और वोल्टमीटर की सहायता से। इतना समझ पाए? अब इस क्वेश्चन में अगर करंट जीरो हो जाए, हमको शॉर्टकट तरीका बनाना है ना, मतलब सर्किट कहीं ऐसा बन जाए दिख रहा है भैया? हाँ, लास्ट तक दिख रहा? नहीं दिख रहा? ये जो बाहर को करंट का रास्ता दिया गया है, अगर ये ख़त्म हो जाए मान लो, तो जो यहाँ से I1 और यहाँ से I2, वो भले कैसे होगा लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे भी करंट जाएगी और इससे भी करंट जाएगी। तो बाहर कोई करंट जाएगी नहीं इस वाले नोड पर, और चाहे इस वाले नोड को देख लो। तो जब बाहर जाने का रास्ता बंद है तो हम ये टोटल करंट कितनी कर सकते हैं? जीरो। इस पूरी कंडीशन में, जैसे ये मान लो अपने पास इक्वेशन है, कहीं से बना लो, ये टोटल करंट कितनी बन गई, या यहीं पर लिख लो जीरो। तो अगर ये वाली करंट जीरो हो गई तो बचा कितना? जरा देखो,
जीरो इज इक्वल टू ई वन आर टू ई टू आर वन बटे में आर वन आर टू। और ये वाला पूरा पद अब एक स्टेप लिख लो, इस यक्स को वी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टर्मिनल वोल्टेज कितना कर लेंगे वी, अगर करंट का रास्ता आगे नहीं जाने का है तो यक्स को हम वी में कन्वर्ट कर लिए। ठीक, तो इधर बना आर वन आर टू बटा आर वन प्लस आर टू। इस पूरे पद को अगर इधर ले आओ, ये जब इधर लाओगे तो प्लस का बनेगा, और ये इतना पोर्शन बट गुणे में रहेगा, इधर भेज दो तो कहाँ जाएगा, बटे में। तो एक फार्मूला मिला आपको ई वन आर टू ए टू आर वन बटे में आर वन आर टू, और मेन बटे के नीचे ये आ गया आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू। सही हुआ ये, हाँ उल्टा हो जाएगा ना, हाँ आर वन प्लस आर टू आर वन आर टू, कहाँ पर आर वन प्लस, ये गड़बड़ हुआ, हाँ वही तो बन गए कता, अच्छा ये है आर वन प्लस आर टू आर वन आर टू, ऐसा ठीक है। हाँ इधर इधर समझो, तो ये पूरा पद कहाँ, ये वाला पूरा पद इधर ले आओ, यहाँ तक तुम समझ गए थे। तो अब जो कंडीशन बना रहे हैं सवाल को शॉर्टकट बनाने के लिए कर रहे हैं, अगर हम इसको करंट को बाहर जाने का रास्ता ना दें और ऐसे क्रम कई लगे हों, हम कहते एक तार है दो तार एक और लग जाए तो उसका शॉर्टकट कैसे बना सकते हो। तो भाई करंट को अगर बाहर जाने का हम रास्ता नहीं देंगे तो इसे आई को कितना कर देंगे जीरो, वो चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो चाहे वहाँ कर लो कहीं पर कर लीजिए। तो जीरो किया तो अपने पास समीकरण ये बची इतनी, और यक्स टर्मिनल वोल्टेज को हम वी कन्वर्ट कर लिए तो हम यहाँ वी लिख लिए। ठीक, इस पूरे पद को जब इधर लाओगे तो ये इतना बराबर इतना हो जाएगा, और इसको जब बटन भेज देंगे तो ये बन जाएगा, सही है ना। अच्छा अब इसको हम एक और काम करते हैं, देखो आर वन आर टू कर इन दोनों के नीचे अलग अलग करो ज़रा, ये आर वन आर टू दोनों नीचे अलग अलग, तो फार्मूला क्या मिला आर टू आर टू कट गया तो ई वन बाई आर वन ए टू बाई आर टू, यहाँ तक ठीक, और यहाँ भी अलग अलग तोड़ दो तो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। अब देखो इसका यूज कैसे करना है, कितने सेल लगे थे यहाँ पर दो, ये ई वन ये ई टू, ये कहता आर वन और ये, अगर करंट जाने का रास्ता सवाल में नहीं है तो सीधे अपने पास शॉर्टकट तरीका है वोल्टेज निकालने का, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू बटा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। अगर तीन लगे होते यहाँ पर एक और लगा दें तो क्या कंडीशन निकलेगी, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री बटा एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस, तो चाहे जितने लगा दें अब बन जाएगा। तो अब एक्स मानने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वी मिल जाएगा और आराम से आप करंट निकाल सकते हैं। ठीक, देखो सवाल कैसे कैसे, तो क्या तरीका था, अगर एक ही डायरेक्शन में सभी सेल हैं और हर तार में सेल लगे हैं और प्रतिरोध लगे हैं, यहाँ पर देखो इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर, चार लगे हम कह देखा और लगा लो क्या दिक्कत। तो हमको निकालना क्या है, उभयनिष्ठ विभव और सब में करंट निकालनी है। तो एक तो तरीका था यक्ष मान करके, इधर यक्ष मान लो इधर जीरो मान लो, बताया था ना उधर। अब क्या करोगे इसमें, तीन लगे तो फार्मूला क्या लिखोगे, ई वन बटा आर वन प्लस ई टू बटा आर टू प्लस ई थ्री बटा आर थ्री बराबर एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस, तो दस बटा दो कितने बचे पाँच, ये कितने बचे तीन, और ये कितने बचे दो बटा एक बटा दो एक बटा दो एक बटा दो तीन बटा दो, ऊपर जोड़ो ये पाँच तीन आठ दो दस बीस बटा तीन, तो उभयनिष्ठ विभव कितना होगा बीस बटा तीन हो जाएगा। अब अगर I1 निकालना है तो 10 में से 20 बटा 3 घटा के बटा 2 कर दो, क्या लिखोगे 10 माइनस 20 बटा 3 बटा कितना कर दो विभव का अंतर बटा प्रतिरोध, ये 20 बटा 3 यहाँ बन गया ना, तो धारा 10 से ही धारा रही, तो ये माइनस ये बटा 2 कर दीजिए उत्तर हो गया। ठीक, अगर I2 निकालना है तो 6 माइनस ये बटा 2 कर दीजिए, 6 माइनस 20 बटा 3 बटा कितना कर देंगे 2 एम्पियर, और I3 निकालना है तो हाँ 4 माइनस 20 बटा 3
अरे पूरे का बटा नहीं, बटा कितना कर देंगे दो। अब और आसान हो गए। अगले में उभयनिष्ठ विभव बताओ, इनका सबका बताओ उभयनिष्ठ विभव। तो इनमें जो एक का मान निकाल लोगे वही सब पर काम करेगा। तो इसमें क्या करो, छः बटा दो कितना आ जाएगा, तीन। ये कितने बने, ये कितने बने, एक बचा। और प्रतिरोध कितने बने, तीन बटा दो, सब जोड़ लेंगे। ऊपर कितने बने, तीन दो पाँच एक छः, छः बटा तीन दो गया ऊपर, कितने आ गया, चार वोल्ट। तो उभयनिष्ठ विभव चार हो गया। तो आई वन कितनी बनी बोलो, यहाँ चार बन जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, जीरो। चार में से छः में से चार गया तो दो, दो बटा दो कितना, एक एम्पियर। आई टू निकालना है तो चार माइनस चार मतलब जीरो एम्पियर। और आई थ्री कितनी बन जाएगी, दो माइनस चार, दो माइनस चार इसके अनुसार लगाओ। तो दो माइनस चार कितने बने, माइनस दो। तो करंट आ गई माइनस एक। इसका मतलब ये हुआ कि करंट इधर नहीं जाएगी वास्तव में, सर्किट में इधर जाएगी, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगी इतने में केवल, बस इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक, इसमें अब तो ये लग जाएगा ना अपने आप से, लगा लोगे ना क्या, अभी लगाओ अपने आप। अगर बैटरी इधर को उधर हो गई, कोई भी कहीं घूम गई, तब इससे मत लगाना, क्योंकि वो फार्मूला फिर उल्टा हो जाएगा ना उसका। अभी तने 75 फार्मूले नहीं बनाएंगे, एक का बन सकता था बना लिया जल्दी, बाकी तो अपने पास मेथड है एक समझने वाला, उसे निपट लेना। ठीक, दूसरा टाइप एक और है बच्चा, इसमें देखो पावर लॉस। ठीक, कोई भी सर्किट दिया है, क्या होगा, अरे तो पीछे का झाके लगा थे, करंट लग रहा है कहाँ, अरे इधर। अगर सर्किट टाइम पास नहीं, सर्किट की अगर सख्त इच्छा निकालनी पावर लॉस, तो इसमें देखो एक बता रहे हैं, बाकी दो तुमको होमवर्क दे देंगे, अपने आप ट्राई कर लेना। सवाल कैसा लें, डबल प्रतिरोध वाला कि सिंगल सिंगल, डबल तुम लगाओ। अगर सिंगल कोई विद्युत वाहक बल है सेल का, आंतरिक प्रतिरोध छोटा, और किससे जोड़ा, बाह्य प्रतिरोध के साथ, तो अगर पूछा जाए शक्ति क्षय निकाल लिए, अधिकतम शक्ति क्षय, ठीक, मैक्सिमम पावर लॉस, तो सबसे पहले आप इसमें करंट निकालेंगे। करंट कितनी बहेगी, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। पावर लॉस के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक, शक्ति क्षय अगर निकालनी है तो इसी का यूज़ करना है। आई की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो आर तो रहेगा, ये बन गया आर प्लस स्मॉल आर, ये पावर का फार्मूला है अपने पास, ये तुमको हर सवाल में काम करना होगा। है, अरे है तो यार, इधर ऊपर तो कर दिए, अरे इसका स्क्वायर करके लिखो यार, इधर ठाकुर साहब इधर दे, पिज्जा हब है इधर, समझो अगर ये अधिकतम शक्ति छः करना है तो ये वाली वैल्यू कम से कम हो जाए, जब तक ये वाला मान नहीं घटेगा तब तक ये अधिकतम, कहने का मतलब है करंट जब तक मैक्सिमम होगी तो पावर लॉस मैक्सिमम हो जाएगी, धारा अगर ज़्यादा है तो शक्ति छः सर्किट की बढ़ जाएगी। ठीक, तो करंट ज़्यादा होने के लिए फिर क्या रूल है, ये वाला मान है कम से कम हो जाए तो ये ज़्यादा हो जाए, हर अगर घट जाए तो ये मान बढ़ जाए, तो वही चीज़ हम यहाँ चेक कर ले रहे हैं। तो इसको चेंज कर लीजिए, कहाँ से, r माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर r प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस फोर आर आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। ये वाला मान ला के यहाँ रख लो, अच्छा माइनस है ये माइनस करिए, अब ठीक गड़बड़, ये ला के यहाँ रखो मान, तो p बराबर आ गया ई स्क्वायर आर, r माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस फोर आर आर। ठीक, यहाँ तक समझ गए, इसके ज़्यादा होने के लिए इसको हम न्यूनतम जीरो कर सकते हैं। तो फॉर पी मैक्स स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, लगभग कितना कर दें, तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, जहाँ जहाँ कैपिटल आर नज़र आ रहा है इसमें रख दो, तो पी क्या बन जाएगा, पी मैक्स
तो ये बन गया ई स्क्वायर आर अपन, ये तो जीरो हो जाएगा, इधर बन गए फोर आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो ई स्क्वायर अपन फोर आर। 2012 में पूछा गया। अब तुमको कौन कौन दे रहे हैं का? दो सवाल दे रहे हैं, अपने आप ट्राई कर लेना ठीक। कैपिटल आर ई और ई, स्मॉल आर स्मॉल आर, पावर लॉस निकालना है तुम इसमें। अगला ये तो नहीं दिमाग में चल रहा, खुद आसान बताया बाकी कठिन लोग बता रहे हैं। हाँ हिंट दे देंगे, आई निकालना है पहला काम, फिर पी बराबर आई स्क्वायर आर मान रख देना, इस तरह कन्वर्ट कर लेना, फिर यहाँ जो आएगा उसको क्या करना, जीरो, बड़े आर का मान छोटे आर के पदों में बना लेना ठीक, और ला के मान रख लेंगे आंसर आ जाएगा ठीक। चलो इसमें देखो, ये श्रेणी क्रम लगे है ना, और श्रेणी क्रम में कंडीशन क्या आती है, एन ई अपान एन छोटा आर प्लस बड़ा आर, तो ये दो हो गए सेल, तो दो ही कर दो, यहो की जगह पर दो कर लो, तो आई आ जाएगा टू ई अपान टू आर प्लस कैपिटल आर, ऐसा बन जाएगा, वहाँ रख लोगे तो ऐसा फार्मूला आ जाएगा। फिर यहाँ जब चेंज करना तो क्या बनेगा, यहाँ पर कैपिटल आर प्लस टू स्मॉल आर, अरे यही यही से तो आएगा, तो क्या लिखोगे, कैपिटल आर माइनस टू स्मॉल आर, ये एट आर आर, आठ आर आर बन जाएंगे ना, इसी फार्मूले के अनुसार जहाँ स्मॉल आर वहाँ टू स्मॉल आर कर लेना, तो दो यहाँ पड़े चार दूनी, अब तो बन जाएगा। इस वाले में क्या बनेगा, आई की वैल्यू एन ई अपान छोटा आर एन इंटू कैपिटल आर, ये आ जाएगा इसमें, दो यहाँ आई मिल गया, उसमें रख करके निकाल लेना। माथम सिक्स पे काहे बन रहे तुम्हारे है नट्टी मन, किसके नट्टी, ये न्यूटन है। सुने अगला देखो, प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोध ज्ञात करने की अपने कोर्स में दो विधियां हैं ठीक, कौन कौन से, तो पहले है मीटर से, तो और दूसरा कौन सा है, व्हीट स्टोन से, तो है ना, व्हीट स्टोन से, तो मीटर से तो जो है प्रैक्टिकल है आपका, और इसमें जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, सही से ध्यान सुन लीजिए, सबके लिए काम का है ये, तो इसके द्वारा भी तुमको प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, और दो प्रैक्टिकल होंगे इसमें, एक तो तार का प्रतिरोध निकालना होगा, दूसरा उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होगा ठीक है। दो प्रैक्टिकल आपको इससे करने हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं, इस पर न्यूमेरिकल तो आते हैं पेपर में, थ्योरी नहीं आती लेकिन हाँ न्यूमेरिकल आते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सवाल इसके बहुत आसान है, एकदम चूरन टाइम, तुरंत मिनटों में लग जाएंगे ठीक, केवल इसकी भाषा पर ध्यान देना होगा, कह क्या रहा है सुने इधर। तो जब आप लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आपको एक पहले अलग से तार दिया जाएगा, सबसे पहले वो इतना बड़ा हो सकता है, कापर का किसी का भी हो सकता है, और इसके ऊपर वो आवरण नहीं होगा प्लास्टिक वाला, केवल जैसा तीली होती साइकिल की, इधर भैया हाँ एकदम ऐसे नंगा तार है, तो उस तार को पहले आप क्या करेंगे, उसकी लंबाई माप लेंगे आप, सबसे पहला काम क्या होगा, लंबाई माप लेना, जो भी आ जाए अपने पास उसको लिख लेना है ठीक। अब उसकी मोटाई निकालनी पड़ेगी तार की, तो तार पतला होगा तो तार की मोटाई निकालने के लिए स्क्रू गेज से आप निकालेंगे ठीक। अब कैसे निकालेंगे वो अलग बात है लैब में, ए समझ लीजिए, तो जैसे अगर आपने तार की मोटाई निकाली तो व्यास निकाल लिया, तो त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो आप डायमीटर को दो से भाग कर लेंगे, और ये वैल्यू किस में आएगी, मिलीमीटर में ठीक है, स्क्रू गेज जो होगा मिलीमीटर में मान देगा ठीक। अब जब इसके बाद क्या करना है, लैब में आप देखेंगे एक लकड़ी का बोर्ड होगा, लगभग बोर्ड एक मीटर से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा केवल इतना बड़ा, अरे पटरा टाइप से होगा यार, और इसमें यहाँ पर तांबे की पत्ती लगी होंगी, बिल्कुल एल अक्षर जैसी,
इधर भी होगी और इधर भी होगी, चौड़ी पत्तियां होंगी। सुने इधर सुने, नाम है क्या? अभी इधर सीरियसली समझो, एग्जामिनर पूछ लेता है कि तांबे की चौड़ी पत्ती क्यों लगी होती है। सुने इधर, पत्ती अगर चौड़ी है तो क्षेत्रफल ज्यादा हुआ, और क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो प्रतिरोध कम हो गया, करंट ज्यादा बहेगा, ठीक। और इसमें दो पेच लगे रहेंगे, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, इसमें भी एक पेच यहाँ लगा रहेगा और एक यहाँ लगा रहेगा, और इन दोनों पेच से एक तार जुड़ा रहेगा। हाँ, एक तार होगा केवल 1 मीटर लंबा, और विभव मापी में 10 मीटर लंबा तार होगा, बिल्कुल गिटार टाइप से ऐसे ऐसे फंदे लगाए गए होंगे। जैसे देखोगे अब इसे उंगली पर, बढ़िया गिटार जैसे फीलिंग आएगी, ठीक ठीक है, बजाय आवाज़ नहीं आएगी। इसमें केवल एक तार होगा, तार कितना होगा 1 मीटर लंबा तार होगा, चाहो तो उसको आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए, 100 सेंटीमीटर। इतना समझ गए, तार काहे का होगा? मिश्र धातु, मिश्र धातु भी कौन सी? यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये ऐसी मिश्र धातुएं हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है लगभग कितना होता है? 0। तो अगर RT निकालना चाहो तो R0 1 प्लस अल्फा टी, ये 0 हो गया तो बाद का प्रतिरोध पहले के बराबर रहता है। मान लो कि अगर इतने लोग आप प्रैक्टिकल करने गए, तो अगर उपकरण का कुछ देर तक यूज में उपकरण को लाओगे तो करंट बहेगी, ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाना चाहिए, इसीलिए ऐसा तार लिया जाता है जिस मिश्र धातु ऐसे लेते हैं जिसका प्रतिरोध ना बढ़े, ठीक। यहाँ पर बीच में एक सीधी पत्ती लगी रहेगी, इसमें 3 पेंच होंगे, हाँ चौड़ी भी होगी, ठीक है। अब इधर यहाँ पर स्केल पैमाना होगा, पटरी वाला, इसे लगी हुई पटरी एक, ठीक, ये कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर लंबे, मतलब 1 मीटर। जैसा चित्र बना रहे हैं ऐसे ही होगा सब। ये जो स्थान होगा, यहाँ पर जो पेंच लगे रहेंगे जो यहाँ होंगे, इनको आप ढीला करके आराम से टाइट कर सकते हो ऐसे ही। फिर क्या करना है, हाथ से यहाँ प्रतिरोध बॉक्स लेना है, इधर बनाते हैं, टाइम पास ना कर भैया, समझ लो काम की चीज़ है। प्रतिरोध बॉक्स कैसा होता है, एकदम डब्बा टाइप से होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, यहाँ पर पेंच लगे रहेंगे ऐसे, यहाँ पर भी होंगे ऐसे, और यहाँ पर 2 पिन बाहर निकले होंगे, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। एक को उठाओ, यहाँ तार जोड़ो, यहाँ पर जोड़ देना है, इसको ढीला करिए और लपेट के, हाँ अच्छे से टाइट करना है। फिर इसके बाद में एक यहाँ तार जोड़ करके इसमें जोड़ देना है, ठीक। क्या फिर इधर सुनिए, अब जो सबसे पहले तार आपको दिया गया था, जिसकी लंबाई मापी थी और मोटाई निकाली थी, उस वाले तार को तुमको यहाँ से लेकर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। मान लो ये एक तार हो गया, इसी का मान निकालना होगा, अपने न्यूमेरिकल जो होते कहता है ना, बाएं साइड में ये प्रतिरोध बॉक्स लगा है, दाएं साइड में अज्ञात प्रतिरोध का तार लगा है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये जो बीच में यहाँ पर पेंच है, ये इसमें तुमको क्या जोड़ना पड़ेगा, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ना पड़ेगा। हाँ बताए तो रहे, इसमें लाल काला इसे होगा, लाल को प्लस मान लेना है काले को, ये हो सकता है इसके खोपड़ी पर भी बने हों, वो तो उसके डिजाइन पर डिपेंड करेगा ना। तो एक तार यहाँ का, ये प्लस वाला सिरा जो होगा इसको आप यहाँ जोड़ दीजिए एक तार, और ये जो माइनस वाला सिरा बचा इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक जॉकी जोड़नी पड़ेगी, बिसर्पी कुंजी। जॉकी कैसी होती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे होगी, इससे थोड़ा छोटी होगी, इतनी बड़ी मोटी इतनी होगी, ऊपर पेंच होगा, उसको आप ढीला करके और इस तार को इसमें लपेट के टाइट कर देंगे। तार कम कौन सा संयोजक तार होगा, मतलब धागा लपेटा होगा, अंदर केवल सिंगल वायर होगा, उसका प्रतिरोध 0 होगा उस तार का, वो तार यहाँ पर उपयोग में लाते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पर प्रतिरोध देंगे केवल उतना ही प्रतिरोध यूज में आना चाहिए। तो तार कौन सा लिया जाता है,
संयोजक तार, कनेक्टिंग वायर, और कनेक्टिंग वायर वो होता है जिसका प्रतिरोध जीरो होता है। तो जो कि होती कैसे, उसका सामने वाला जो भाग होगा बिल्कुल पेंचकस जैसा होगा, जैसे पेंचकस में क्या होता है ऐसे, हाँ बिल्कुल वैसे होगा। ऐसे आराम से आप इसमें टाइट करके पकड़ लीजिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर एक पैमाना बना होगा, मीटर लगा होगा ऐसे, और कैपिटल जी लिखा होगा, गैल्वेनोमीटर, विक्षेप मापी बोलेंगे इसको। इसमें जीरो जो होगा यहाँ पर होगा, एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब दोनों साइड में रीडिंग होगी जीरो के, और इसमें जो निडिल होगी वो ऐसे होगी एकदम जीरो के सामने, ठीक। वोल्ट मीटर पर भी होगा, निडिल इधर होगी जीरो पर, उसमें जीरो ऐसे होंगे। अरे चार्जर वगैरह देखो, स्टेबलाइजर वगैरह में लगे नहीं होते हैं वो, वोल्ट मीटर चार्जर में, अमीटर और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक। ये बहुत हल्की भी करंट आती है उसको भी बता देता है, अमीटर उसको नहीं बताएगा, अमीटर उसको क्या बताएगा, जीरो। इतना समझ गए सब लोग। अब आपको एक सेल बनाना पड़ेगा, तो सेल कौन सा, प्राथमिक सेल ही होगा, लेकिन कौन सा, लेक्लांसी सेल। तो लेक्लांसी सेल कैसे आप बनाएंगे, एक पात्र लेना है, लगभग यहाँ पर एक लीटर के आसपास पानी भर लेना इसमें, स्वच्छ वाटर, ठीक है। हाँ लैब में देखेंगे सब पड़े होंगे इसे, उनको आपको साफ करना पड़ेगा, हाँ बिस्लेरी वाला ही वही, ठीक। अब इसमें तुमको क्या छोड़ना है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, लगभग 100 से 150 ग्राम तक डाल दी थी। ये कैसा होगा भैया, ग्लूकोन-डी, ग्लूकोन-डी पियो ना, तो जैसे ग्लूकोन-डी दिखने में लगता है ना, स्वाद में नहीं बात हो रही, जैसे वो दिखने में होता है बिल्कुल वैसे होगा अमोनियम क्लोराइड। इसको अब इस डाल करके और इसको घोल देंगे, बिल्कुल शरबत जैसे फेंट देना है, मिल जाए आपस में, और जब मिल जाएगा तो ये वैद्युत अवघट यही बन गया इसका, बिल्कुल ऐसे ही सेल बनाने हैं, ठीक। फिर अब ये वैद्युत अवघट्य बना, तो यहाँ पर देखो सेल बना लेते हैं, इधर चित्र यहाँ बनाते हैं, ठीक। अब समझ गए सेल कैसे बनाएंगे, ये कौन सा सेल है, लेक्लांसी सेल। इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है, ठीक, एवरेडी वाले सेल के बराबर, शुष्क सेल के बराबर। क्या आप सुने इधर, फिर इसमें तुमको दो इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे, तो एक आपको मोटी छड़ दी जाएगी, इसमें कार्बन की रॉड पड़ी रहेगी अंदर, जैसे सेल होता है ना दुकान वाला खरीद के लाओ, हाँ, तो उसमें अगर ऊपर का हटाइए तो उसमें देखो अंदर रॉड पड़ी रहती है, तो वैसे होगा। लेकिन इसके ऊपर जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये चीनी मिट्टी की लुगदी बनाकर बेलन बनाया जाता है पूरा, ये पूरी चीनी मिट्टी लपेटी होगी, अंदर क्या होगी, कार्बन की रॉड होगी, और ये किसका काम करेगी, एनोड का, इसी को पॉजिटिव टर्मिनल मान लेना है, ठीक। इसको उठाकर इसमें छोड़ देना, ठीक। फिर एक और छड़ दी जाएगी आपको, पतली जिंक की छड़ होगी, पतली सी होगी वो, ऊपर भी इसमें क्या लगा होगा, पेंच होगा, ये जो कार्बन की रॉड है इसमें भी पेंच लगा होगा, ये किसका काम करेगी, कैथोड का, मतलब नेगेटिव टर्मिनल इसी को बना देना है। इसको उठाइए, इसमें छोड़ दीजिए, ठीक, ये सेल तैयार हो गया। अब क्या करिए, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल यही तो होगा एनोड, यहाँ से एक तार जोड़ करके इस एंड पर जोड़ देना है तुमको, तार ढीला करिए यहीं पर टाइट कर दो लाके, ठीक। अब ये जो नेगेटिव वाला है ये, इसमें डायरेक्ट मत जोड़ देना, क्योंकि मान लो कि आज प्रयोग किया आपने और फिर सब लोग चले गए, तो ये सब फिर तार वगैरह खोलने पड़ेंगे, तो हाँ कुंजी, अरे बैटरी में चिमटी लगती है ना, तो वैसे यहाँ पर कुंजी जोड़ी जाएगी। एक कुंजी कैसी होगी भैया, ऐसे, हाँ यहाँ पर पेंच होंगे, एक तार यहाँ जोड़ दो, एक तार यहाँ, और बीच में चाबी टाइप से ऐसे लगी होगी, इस टाइप से इसको अब जब लगा देंगे तो सर्किट जुड़ जाएगा भाई। ये जो बने होंगे इनके खांचे जो होंगे ऐसे आपस में टच कर रहे होंगे, तो जब ये पिन बीच में लगाओगे इसे तो सर्किट जुड़ जाएगा, और निकाल लिया तो सर्किट टूट जाएगा, मतलब करंट का आसपास नहीं हो जाएगी। तो इसको ला करके यहाँ जोड़ दो। अब ये चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, बात एक ही है। अरे बैटरी चाहे प्लस वाली चिमटी उतारो चाहे माइनस वाली उतारो, बात तो एक ही है। सेल जुड़ गया, गैल्वेनोमीटर जुड़ गया, प्रतिरोध बॉक्स जुड़ गया, तार जुड़ गया जिसका मान निकालना था, सारा सिस्टम कंप्लीट। अब ये समझ गए कहाँ पर कौन चीज़ लगाएंगे। अब काम क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको कोई एक मान लेना पड़ेगा प्रतिरोध से। मान लो ये इतने लोग गए लैब में काम करने, तो इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध आपको देना पड़ेगा। लेकिन देने से पहले एक बात और ध्यान रखनी है, क्या चेक नहीं किया कि सही चला कि गलत चला,
ठीक, सारे कनेक्शन क्लियर। अब इस जॉकी को उठाइए, इसको पहले यहाँ रखेंगे, तो गैल्वेनोमीटर को देखना, इसकी सुई इधर गिरेगी फटाक से, इधर को जब आप यहाँ रखेंगे तो इसकी निडिल जो लगी इधर गिरेगी, और फिर यहाँ रखो इस किनारे पर एकदम, तो उधर पटका खाएगी ये। दोनों साइड अगर मूव कर रही, इसका मतलब आपने सब कनेक्शन सही किए हैं, ठीक। और अगर एक ही साइड में भी छेप आ रहा है तो देख लो कहीं कहीं पर तार ढीला है, फिर से टाइट कर लो, सब चेक कर लो, या हो सकता है जंग लगी हो तो उसको रेगमाल से साफ वाफ करके फिर बढ़िया चमका के लगाएंगे। चलो, अपना उपकरण बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये बढ़िया काम कर रहा है। नमूने हो यार इधर, आइटम कहाँ देख रहे हो? प्रतिरोध बॉक्स पर वैल्यू लिखे होंगे, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, ऐसे उधर भी लिखी होंगी। मान लो इनका मूड था कि हम यहाँ 5 ओम प्रतिरोध लेंगे, तो 5 ओम वाला ढक्कन आपको बाहर निकालना है, तब आपने उतना प्रतिरोध दिया। उल्टा है कुंजी के, कुंजी में लगाओगे तब सर्किट सही चला, और इसमें निकाल लोगे तो उतना आपने प्रतिरोध यहाँ पर दिया। कारण पता है क्यों? इसके अंदर का जो डिजाइन होता है कुछ ऐसे होता है भैया, ये बनाओ। अब सारे प्लग लगे हैं ये, तो ये जो पत्तियां हैं, ये प्लग लग गया तो पत्ती को अलग कर देगा सबसे। कनेक्शन देखो टूटे हैं, इस पत्ती का इससे टूटा, ये वाला इससे टूट गया, इससे टूटा। मान लो 5 ओम का निकाल दिए ये, तो जैसे निकालोगे तो ये वाली पत्ती खटाक से यहाँ पर चिपक जाएगी, यकीन। तो इतना जुड़ गया, बाकी टूटे हैं, समझ गए? तो जब आपने 5 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स में ढक्कन निकाला, तो आपने प्रतिरोध यहाँ कितना दे दिया? 5 ओम। अब उठाइए जॉकी, फिर से शुरू करो इधर, और इसको देखे रहना इसे। अब इसके निडल इधर चलिए, और तुम इसको स्लाइड कराए धीरे धीरे, ठीक। तुम कहाँ सो गए? आ रही है इधर। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर ज़्यादा तार पर नहीं दबाना है। अगर आपने ज़्यादा दबा दिया तो वहाँ का क्षेत्रफल कम हो गया, और क्षेत्रफल कम हो गया तो प्रतिरोध बढ़ गया, रीडिंग सही नहीं आएगी। हल्का सा ऐसे धीरे धीरे से बढ़ाएंगे, उसको देखते रहेंगे। अब मान लो 0 पर आ गया, 0 पर लाना है तुमको इसको, और जैसे ये 0 पर आ जाए बस रुक जाइए, सामने देखो कितना लिखा है, जो भी आ जाए। चलो मान लो 40, पटरी में कितना लिखा है? 40.2, कुछ भी हो तो ना ले लीजिए। तो क्या करना, यहाँ कितना लिया था? 5, तो लिखोगे 5 मतलब वहाँ की वैल्यू बटा ये वैल्यू, एक्स मान लें, एक्स मान लें, बराबर इसके सामने की रीडिंग कितनी आई है? 40, पूरा कितना है? 100, 40 निकल गया, बचा कितना? 60। मतलब क्या कंडीशन आई, ये R बना तो इसको हम यस मान लिए, तो उधर विक्षेप मिला यल पर, इधर कितने पर आया? 100 माइनस यल पर। क्या यक्ष निकाल सकते हो? तो पहली रीडिंग आपको यक्षवन कुछ मिली, ठीक। इनका मूड था नहीं हम 15 ओम लेंगे, इधर इनका मूड कितना है? तो 15 ओम तो लिखा नहीं है, तो ये 5 और 10 निकाल लो, 2 15 जो हो गया, समझ गए? कोई अगर एक्स्ट्रा मान लेना चाह रहे हो जो इसमें नहीं लिखे हैं, तो कम्बिनेशन कर लीजिएगा। मान लो 15 लेना था, तो 5 और 10, 2 ढक्कन निकाल दिए, 15 ओम यहाँ दे दिया, ठीक। अब 15 ओम जब यहाँ पर ले लिया मान, तो अगली रीडिंग अब फिर निकाल लोगे इसे, तो मान लीजिए कि ये X2 आ गई, ठीक। फिर मान लो उन्होंने प्रयोग किया, तो उनके लिए X3 एक मान निकाले। अभी तीनों के मान एकदम बराबर नहीं होंगे। मान लो इनका मान आया था 25.6 ओम, तो इनका कुछ समथिंग ऐसे 25.7 हो सकता है, 25.4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। तो किसकी बात मानी जाए, किसकी रीडिंग सही है? तो क्या कर देना, माध्य निकाल देना। क्या करोगे? X1 और प्लस X2 प्लस X3 बटा 3 कर दें, तो टोटल इसका प्रतिरोध एग्जैक्ट मिल गया, ठीक। मिनिमम 3 रीडिंग, मैक्सिमम चाहे जितनी निकाली आप। अरे कहा हो तो बस एक पंडित जी थे, एक पंडित जी कथा सुनाते थे, हैं?
तो एक ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत, वो रोज़ बेचारी कथा सुनने जाए। अब पंडित जी कथा जब सुनाना शुरू करें तो वो रोज शुरू कर दे, तो पंडित जी का लगे कि या तो हम गड़बड़ सुना रहे हैं, तभी तो सोचे और अच्छे सुनाए फिर, तो और रोवे। होते करते भैया चार दिन गुजर गए, कथा थी पाँच दिन की। पाँचवें दिन पंडित जी से रहा नहीं गया, कहा पूछ लेते हैं आज, तो बुलाए पूछे, माता जी हम कथा तो बहुत अच्छे सुनाते थे, अपनी जान में तो कोई त्रुटि नहीं की है, फिर आप काहे रोते थे? तो जान तो क्या बताया कि भैया हमने एक जानवर पाला रहे, तो जैसे वो चिल्लाते चिल्लाते मर गया रहे, तो जब आप चिल्लाते तो उनका वह याद आओ थे, वो वाले हो तुम, मतलब हम चिल्लाए रहे तुमका कोई और याद आ रही। चलो चल चल इधर, तो तीन रीडिंग निकाल लोगे ना इसे? बिल्कुल यही काम आपको लैब में ऐसे ही करना होगा। अच्छा सुनो इधर, हमको इसमें दो प्रैक्टिकल करने थे ना, एक तो इस तार का प्रतिरोध निकालना था, दूसरा क्या निकालना, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या था? रो बराबर आर ए अपान यल, आर जो होगा वो टोटल, ये आप निकाल लिए, एरिया को आप क्या एक्स माना है ना, तो एक्स लिख लो जो मानना हो, एरिया पाई आर स्क्वायर बाई एल, एल पहले तार का निकाले थे लंबाई, और त्रिज्या आपने स्क्रू गेज से निकाल ली थी, तो त्रिज्या मालूम है, एल मालूम है, ये भी निकाल चुके, तो रो भी तो मिल गया, समझ गए? तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, अगली क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, ठीक, जबरदस्त न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट।